जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। संविधान को बचाने का है। कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया, जो यदि लागू किया आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है, उसके लिए उसको एससी एसटी ओबीसी किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार है। जी हां, सेकेंड फेज के चुनावों से पहले मुसलमान एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर तमाम तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आखिर सेना तक क्यों आई, आज हम करेंगे इसी पर बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद है। कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सियासी वार पलटवार तेज हो चुका है। इस बीच आरक्षण पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। बीजेपी का सवाल फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर है। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संकेत हैं, इशारे हैं। और अगर ये लागू हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस तक क्यों आई। जी हां, और इसी से जुड़ी पहली अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर उठाए हैं सवाल। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के घोषणा पत्र में नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संकेत दिए गए हैं। ये कहा है राजनाथ सिंह ने, आरक्षण लागू हुआ तो दायरे में आर्म फोर्सेस भी आ जाएंगी। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला ये विचार है, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी, इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। चलिए अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा बयान समझाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए इसी सवाल के तहत यह इंफॉर्मेशन, जहां मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस तक आई, और यहां देखिए किस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस शासन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी और सेना में धर्म के आधार पर गणना करने का इसमें सुझाव था। हालांकि पहली बार आर्म्ड फोर्सेस में विभाजन की कोशिश के तहत अब ये बड़ी बात मैनिफेस्टो के आधार पर राजनाथ सिंह की तरफ से समीर रखी गई है। जी हां, राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, मैंने पूरी ताकत से इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने फिर अल्पसंख्यकों को आरक्षण के संकेत दिए हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण लागू हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस भी इसके दायरे में होंगी और देश की अखंडता को यह प्रभावित करने वाला विचार है। हालांकि हमको इस पर विचार की जरूरत है अब, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण की बात मैनिफेस्टो में कही गई है, सरकारी नौकरियों की बात कही गई है। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस तक किस तरीके से ये पूरा मुद्दा, जो हम सवाल उठा रहे हैं, राजनाथ सिंह ने जो बात कही है मैनिफेस्टो के आधार पर, उसी के तहत आज का ये बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस तक आई। समीर,
जी हाँ, और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें, चर्चा की करते हैं शुरुआत। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिल चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी स्वागत। मेजर जनरल सुधाकर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र हुआ है। दो वेटरन इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी जी मैं आपके पास आऊंगा, किस आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है, बात की गई है, घोषणा किया गया है, किस आधार पर? समीर जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो इस बात के संकेत दिए गए हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के संकेत जो दिए गए हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस की मंशा है। और कांग्रेस के किए गए कार्यों को भी आप उठा करके देखें तो उसने कर्नाटक में 4% जो मुस्लिम आरक्षण दिया था वो ओबीसी से काट करके दिया था, और आज उसने दोबारा वो भाजपा ने उसे खत्म किया, दोबारा जब उसने ओबीसी मुस्लिमों को की कई जातियों को उसने ओबीसी के आरक्षण को काट करके ओबीसी में ला दिया। बंगाल में ममता बनर्जी यही काम कर रही है, उन्होंने तमाम मुस्लिम जातियों को ला करके ओबीसी में डाल दिया। और जब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हैं पहले वो लोग हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो देश के रक्षण में आरक्षण धर्म के आधार पर कर करके कांग्रेस इस नहीं, लेकिन धनंजय गिरी जी क्योंकि सारा मसला ही देखिए घोषणा पत्र का है। घोषणा पत्र में तो सरकारी नौकरियों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको समान अवसर सुनिश्चित कराया जाएगा, ये जिक्र है। अब इसे आप लोग आरक्षण से कैसे जोड़ें, कैसे करें कि आरक्षण का इशारा मिल रहा है इससे? जो किया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। कर्नाटका में 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया था ओबीसी का काट करके, अभी मुस्लिमों की तमाम जातियों को लाया गया वहां ओबीसी का आरक्षण काट करके दिया गया है। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दबा के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस करके बुला हुआ है, ये ऑन गोइंग चल रहा है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये डे बाय डे चला है। देश के रक्षण में धार्मिक आरक्षण ला करके कांग्रेस इस देश की सीमाओं का भक्षण करना चाहती है। अखिल चौधरी जी अब इसका जवाब दे दीजिए, ये तो कह रहे हैं अभी तक तो मैनिफेस्टो के आधार पर कह रहे थे, अब तो फैसले ही इस बात का संकेत दे रहे हैं, और मैनिफेस्टो में जो माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर कहा जा रहा है क्या वो वाकई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ही प्रभावित है? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बात करता है युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की और हिस्सेदारी न्याय की। जहां तक बीजेपी के सर जवाब बोल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बार सुन लीजिए, आपसे उसका जवाब ले लेंगे। मैं उसी के बाद आ रहा हूँ, उसी पे मेरे को एक सेंटेंस भी नहीं बोला अभी तक तो मैंने। तो जब युवाओं के न्याय की बात हम लोग करते हैं और सेना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो डिबेट शुरू हुई वो रक्षा मंत्री के एक ऐसे बयान के जरिए शुरू हुई जिन्होंने भारत की जनता को गलत जानकारी दी है। उनको बात तो करनी चाहिए थी, जब से ये अग्निवीर आया है उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। हमने देखा कि जब अग्निवीर आया और देश की सेना को कमजोर करने का काम अग्निवीर ने करा, हमारे जो सैनिकों को जो फैसिलिटीज मिलती थी वो गायब करी गई, 4 साल की एक इस तरह की नौकरी करी गई जो सेना के वो मजबूत करने का काम नहीं करती, उसको कमजोर करने का काम करती है। उसके बाद में उसके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, आप जो स्टेट देखेंगे वहां पे इसके बारे में प्रोटेस्ट हुए। हमारा जो कहना है, हमारा मैनिफेस्टो भी युवाओं की बात करता है। हम लोग चाहते हैं कि देश का हर युवा जो सेना में जाना चाहे, देश की सेवा करना चाहे, देश के लिए शहीद होने का जज्बा रखना चाहे, तो उसको वो सब सुविधाएं, हमारा धर्म है कि वो सब सुविधाएं मिले जो देश को सेना को हमेशा से मिलती हुई आ रही हैं। उसमें पेंशन भी है, उसमें CSD फैसिलिटीज भी है, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज भी है। जब आप अग्निवीर के बारे में बात नहीं करते और आप ये धार्मिक कम्युनल बातें कर इसको उलझाना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा, हमारा तो हार्ड कॉपी है, आप हार्ड कॉपी में मैं बता देता हूँ कि कौन सी जगह, मैं बता देता हूँ अखिल चौधरी जी, अखिल चौधरी जी, जो घोषणा पत्र है आपका उसमें पॉइंट नंबर 6 है एक पैरा का, वो ये कहता है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिलेंगे।
और आठवां पॉइंट मैं इसलिए भी बता रही हूँ समीर, क्योंकि जब हम ये घोषणा पत्र पढ़ रहे थे इसी चर्चा से पहले, आपके न्याय के तहत की गई हर चीज का हमने भी पढ़ा है, उसमें सुन लीजिए, उसमें ये भी कह दिया गया है कि कानूनों में सुधार को बढ़ावा देंगे और ये सुधार संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे, ये भी कहा गया। ऑफ कोर्स ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे देश का जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे कोई और हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। यानी आपने सबको समान अवसर की बात की है, आप ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता किस तरह से आप देखते हैं, ठीक है, हो गया अखिल जी, वेटरन्स भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दत्ता जी, किस तरह से आप देखेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में समान अवसर की एक बात नजर आती है और बिना किसी भेदभाव के उनको रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात का जिक्र नजर आता है। ये देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है, ये बात कहना। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी पार्टी, किसी समुदाय या किसी रीजन विशेष का समर्थन नहीं करते हैं, और भारत की जो इन्वेंट्री है या जो आर्मरी है, सबसे जो पोटेंट वेपन है वो भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं इस तरह का। और भारत की सेनाओं में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हमारे यहाँ जो पूजा स्थल है उसको भी हम सर्व धर्म स्थल कहा जाता है, हमारे यहाँ अगर किसी रेजिमेंट में ईद मनाई जाती है तो समस्त जो उस यूनिट का परिवार है, जो समस्त उसके ऑफिसर गण हैं या जो उसके जेएसओ जवान हैं, वो सब मिलजुल के उनको मनाते हैं, हमारे यहाँ सारे धर्मों का पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ केवल एक ही धर्म है, दैट इज भारत, हमारे यहाँ एक ही धर्म है, नेशन फर्स्ट, हमारे यहाँ सबसे पहले देश की जो संप्रभुता है, जो देश की सुरक्षा है, वो हमारा धर्म है। सैनिक का धर्म केवल लड़ना है, उसको उसका धर्म है देश रक्षा। इस तरह के अगर वक्तव्य आएंगे तो आप देखिए, जैसे अग्निवीर जो स्कीम आई है, यकीनन अग्निवीर बाकी जो सर्विसेज है उसमें भी आनी चाहिए थी। एक जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट हो, चाहे इंटरनल थ्रेट हो, हमेशा सेना ने देश का मान बढ़ाया है और साथ दिया है। तो अगर अग्निवीर स्कीम है तो अग्निवीर आईएएस में क्यों नहीं लाते आप, अग्निवीर आप बाकी फोर्सेस में क्यों नहीं लाते हैं? तो अगर इस तरह से अगर आप सेना के जो जो फाइबर है उसको टिंकर करेंगे तो देश के लिए ये काफी चिंता का विषय बन जाएगा। बिल्कुल चिंता का विषय है। बट मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर, हाउ डू यू सी दिस रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को बैकडोर से लाने की तैयारी के तहत ये बात कही जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, आप जबरदस्ती ऐसी बातें मत कहलवाइए जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे मैनिफेस्टो की बात नहीं है, आपने दिया कर्नाटक में 4% ओबीसी का काट कर दिया। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हम लोग बड़ी भूमिका ग्राउंड पर निभा चुके हैं, हर हालात से निपटने का एक्सपीरियंस उनके पास है। आज अगर यहाँ पर हम सबसे बड़ा सवाल सेना तक जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात ये कही जा रही है, उस आधार पर अगर मैं उनसे एक सिंपल सवाल कर रही हूं, उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। आप दोनों को हम पहले सुन चुके हैं, ओवर टू यू सुधाकर। बहुत धन्यवाद सुरभि, मैं बहुत दूर वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से बोल रहा हूं, पैसिफिक कोस्ट से, समय यहां पे संध्या का समय है और आप सबको, हमारे को पैनलिस्ट जितने सारे बैठे हैं सबको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, हमारे व्यूज को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देश का जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जी कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे इलेक्शन मैनिफेस्टो हो या कोई बयानबाजी हो, जो सुरक्षा के बरखिलाफ या उसके खिलाफ जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस में, मेरे लिए पार्टी एक ही है, वो है भारत, और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए धर्म होता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम दो वेटरन बैठे हैं, हमारा दोनों का भाषा एक ही है और इस भाषा का जो केंद्र बिंदु है वह है देश की सुरक्षा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं कहना चाहता हूं, ऐसा चीजों को मत
उभर के लाइए जिससे देश की खंडन हो सकता है। मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूं, कई सारे चैनल्स में मैं बोल चुका हूं कि चाइना का एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, दूसरा भाषा में उसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं मैजिक वेपन। ये मैजिक वेपन 1922 को ये क्रिएट किया गया था। किसने किया था? माओ ज़ेडुंग। उन्होंने क्यों किए थे? उस समय तीन मुद्दे लागू रखे थे, वही तीन मुद्दों को 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने रिवाइव किया है। बजटरी सपोर्ट 200% से ज्यादा देने लगे हैं। क्या करते हैं ये? नंबर एक, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। नंबर दो, ये इस तरह वो पेनिट्रेट करें डेमोक्रेसीज में जो एलिटिस्ट क्लासेस पॉपुलेशन है, जो इन्फ्लुएंसर है, जिनकी बात सुन के लोग प्रभावित होते हैं। इनके दिमाग के अंदर नैरेटिव ऐसे बदला है ताकि देश हिंदुस्तान जैसे देश वो खंडन हो जाए। तीसरा, मीडिया के अंदर पेनिट्रेट करना है। तीन मुद्दों के साथ ये अंदर घुसे हैं। मेजर जनरल सुधाकर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान कर दीजिए इसे। आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र किया है वो भी क्या आपको गलत नजर आ रहा है, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया है वो आपको ठीक नहीं लग रहा? समीर, विदाउट डाउट कोई शक नहीं है इसमें। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूं। हम सैनिक हैं, हम देशभक्त हैं, सभी देशभक्त हैं। हमारा धर्म है भाई नेशनल इंटरेस्ट, राइट। इसमें जो भी पार्टी इस किस्म की मैनिफेस्टो में ये जो लैंग्वेज यूज हुआ है, ये लैंग्वेज बिल्कुल ही गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हमारा आज के दिन में जो रक्षा मंत्री साहब हैं, बिल्कुल सोच समझ के और मेरे ख्याल से काफी गहरा सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने बयान दिया है, ये बिल्कुल सही है मेरे विचार और नजरिया। मतलब आपके हिसाब से धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे बिना भेदभाव के, सरकारी नौकरियों में उन्हें काम मिले, नौकरियां मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये गलत है? एब्सोल्युटली, आर्म फोर्सेस को बीच में इस दायरे में लाना ये बहुत खतरनाक कदम आप उठा रहे हैं। मैं सबकी ध्यान में लाना चाहता हूं, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जे.जे. सिंह साहब थे, ये प्रस्ताव उस समय छड़ा गया था और बहुत ही जोर जबरदस्ती उसको हमने खंडन किया था कि आर्म फोर्सेस में ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ना सर्वे, ना आपका स्टेटिस्टिक्स आपको इकट्ठा करना कि कौन सा जाति के कितने लोग हैं, जो है वैसे ही रहने दीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूं ये जो अखंड भारत है, ये खंड खंड होने का, चाइना के जो है प्रभावित, ये बिल्कुल ही बल्कनाइज करने की आप मदद करेंगे। ताली बजा रहे हैं लोग पेजिंग में बैठ के और आम इधर हम मेन स्ट्रीम चैनल में आर्ग्यू कर रहे हैं। बैक टू समीर जी। धनंजय बताइए, अब यहाँ पर जिस तरीके से बात एक्सपर्ट्स की तरफ से भी साफ तौर पर कही गई है, देखिए सुरभि, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता के पिताजी और दादाजी दोनों ही सेना में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 18 जून 1941 को अंग्रेजों को चिट्ठी भी लिखी थी कि सेना में सुनिश्चित करें वंचित जातियों को। 1943 कोरेगांव में बाबा साहब ने दलितों को भर्ती के लिए प्रेरित भी किया था। वही डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय लिखते हैं कि सेना में भर्ती का रास्ता सभी भारतीयों के लिए खुला होना चाहिए, कार्य क्षमता और आवश्यकता योग्यता की पूर्ति ही भर्ती का आधार होना। लेकिन जिस व्यक्ति कांग्रेस कांग्रेस ने एक बार देश को बांटा है, आज आचार्य चाणक्य याद आ रहे हैं जिन्होंने 3000 साल पहले सेल्यूकस से चंद्रगुप्त का विवाह करते समय कहा था कि विदेशी बात ऐसा मत बोलिए, भारत के हो सकता है, याद आ रही है। एक एक करके अखिल जी आऊंगा आपके पास, रक्षण का भक्षण करना चाहती है, ये चीन से चंदा लेने वाले कांग्रेसी, ये इनकी कलाई खुलती जा रही है। अच्छा धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी काट करके मुसलमानों को दिया कर्नाटक में 4%। अच्छा आपने मुसलमान की जातियों को, धनंजय जी लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए धनंजय जी, थोड़ा सा इतने गुस्से की जरूरत ही नहीं, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ धनंजय जी, अगर अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाता है बिना भेदभाव के दिया जाता है तो इसमें दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए देश के लिए अगर आत्महत्या जो है
सेना जो है वो देश के लिए आत्महुति की यज्ञशाला है, योग्यता ही जिसका निकस है। यहाँ कोई जीविकोपार्जन की जगह नहीं है, यह जज्बातों की जगह है, प्राणहुति की दौड़ है। यहाँ पर सीमाओं पर आरक्षण में संरक्षण सीमाओं का भक्षण है। दराज कभी दिन करने कहा था, पाते हैं सम्मान भूतल पर भुजबल से सूर, जाति जाति और धर्म का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कांग्रेस इस देश के रक्षण का भक्षण करना चाहती है। कांग्रेस ने इस देश को एक बार बांटा है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ धनंजय जी, कैसे कैसे जब समान अवसर की बात की गई है, बिना भेदभाव के नौकरियां देने की बात की गई है, तो यही तो आपकी सरकार का भी मोटो है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी सरकार में भी है ना, जो ये सुनिश्चित करती है कि भाई माइनॉरिटीज के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाएं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। लेकिन क्या किसी सरकार ने ओबीसी का आरक्षण काटकर 4% कर्नाटक में दिया या नहीं, ये बात। दूसरी बात बहन उधर ममता बहन ने 123 जातियों में 93 जातियां मुसलमानों की लेकर के ओबीसी में डाला कि नहीं डाला, ओबीसी की हकमारी की कि नहीं की। कर्नाटका में अभी सेक्शन 2 बिल बना करके जो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिया कि नहीं दिया कांग्रेस ने, इस देश के ओबीसी दलित वंचित का हक उठा करके धर्म विशेष को देकर के तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। इन तमाम बातों के बाद एक बार फिर से धार्मिक और मजहबी आधार पर ये जो विभाजन का प्रयास है उसी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस के कुछ कार्य है, जवाब ले लेते हैं। आपने जो कहा उसी का जवाब अखिल जी से ले लेते हैं। अखिल जी बोलिए, मौका मिलेगा, बोलिए ना, मैं आप ही से तो सवाल किया, बोलिए। अब ये जिस तरह से ये धार्मिकता को और इस चीज को लेकर आए हैं भारतीय फौज के, जो एक पवित्र संगठन है और देश की मजबूती का कारण इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के बारे में इस तरह की उलझुल बातें इनके मुंह से ठीक नहीं लगती हैं। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक अलग चीज है। आपके धनंजय जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, एक एक करके बात नहीं करी। अग्निवीर से सेना कमजोर हो रही है। धनंजय जी आपने अपनी बात रख ली, अब अखिल जी को अपनी बात करने दीजिए प्लीज, बिना इंटरप्ट किए जी। मौका मिलना चाहिए कि वो भारत की अगर जान दे सके, उसके लिए जज्बा रखता हो तो उसको भारत की सेना में जाने का मौका मिलना चाहिए। और भारत के नागरिकों के तौर पे, भारत की सरकार की तरफ से हमारा ये कर्तव्य है कि भारत में भारतीय सेना में जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं, उनकी वेलफेयर का, उनकी चीजों का ध्यान रखा जाए। उनकी पेंशन इन्होंने बंद कर दी, उनकी फैसिलिटीज बंद कर दी, उनको 4 साल में रिटायर कर दिया 22 साल की उम्र में। अखिल जी आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। अखिल जी कर्नाटक का एग्जांपल दिया ना, कर्नाटक में आपकी सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को, वो ओबीसी का हक मार के दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपकी सरकार को नोटिस किया है। तो आपकी 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 जहां पर सरकार है, आपका पुराना इतिहास ये बता रहा है, पुराना रिकॉर्ड ये बता रहा है, इसलिए आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रहे हैं वो। अखिल जी तुष्टीकरण की सियासत नहीं, हमारे को प्रत्येक नागरिक को साथ में लेने की सियासत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, हमारी न्याय की सोच है। आप लोगों की सोच ये धार्मिक उत्पाद पैदा कर वोट बटोरने की सियासत जो है। नहीं तो अखिल जी आपको मुसलमानों में फिर पिछड़ी जातियां कौन सी है, पसमांदा कौन सी है, उनको रिजर्वेशन के दायरे में लाना चाहिए था ना कर्नाटक में। कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हमने करी, आप उसके भी पक्षधर नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि हमारे दलित कितने हैं, हमारे ट्राइबल्स कितने हैं, ओबीसी काम करते हैं। थोड़ी देर जरा सुनिए भी दूसरों को, एक मिनट अखिल जी आपसे, आपने तो नहीं नहीं अखिल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपने सुना होगा, कर्नाटक का एग्जाम्पल देते हुए कि भाई मुसलमानों में जितनी भी जातियां सबको आप आरक्षण के दायरे में ले आए। आपने देखा ही नहीं कि कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है। जो रिजर्वेशन का प्रावधान है और जिस हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए कमीशन्स बने हुए होते हैं, रिव्यू कराए जाते हैं और जातियों के बीच में जाकर उनकी डिटेल्स निकाली जाती हैं। उसके बाद में बहुत ही हाई लेवल कमेटी इनको रिजर्वेशन के दायरे में लाती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नेता ने किसी ने साइन करा और ये फैसला हो गया। इसके पीछे आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जब बात ये चल रही है कि भारतीय सेना में रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात है तो आप उस पर तो रह नहीं रहे, आप तो गोल पोस्ट चेंज कर सकते हैं। तो सुनिए समीर जी आपका सवाल क्या है और इनका जवाब। बनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारा क्या लेना है ममता बनर्जी की, जो सरकार है कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है। ठीक सवाल ये है
और आप राहुल गांधी छाप जवाब दे रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ओबीसी का आरक्षण उठाकर, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, सर ये टाइम और समय और समय के लिहाज से बात रखने के जरा जो दायरा है ना उसमें रहकर बात करिए, बीच बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे तो ना आप कोई भी दर्शक आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। मौका पूरा दे रहे हैं हम आपको बात रखने का, लेकिन धनंजय जी जब अखिल जी बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। अभी फिलहाल मैं आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर इस पर अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। ओवर टू यू सुधाकर सर, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी मुद्दे पर। सुरभि बहुत अच्छा आप एंकर कर रहे हैं, बधाई हो। मैं सिर्फ एक चीज रखना चाहता हूं, मुझे एक यहां बैठ के काफी दूर 12,000-14,000 किलोमीटर दूरी से अपना हिंदुस्तान को देखने का एक नजरिया, एक होलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है। मैं बहुत सारे लीडिंग थिंक टैंक के साथ टच में हूं यूएस में, और मेरे विचार के मुताबिक देश को अगर एक ग्लोबल पावर बनाना है, चाहे 2047 या उससे पहले या कोई भी टाइमलाइन के मुताबिक, तो मेरे ख्याल से समय आ गया है 75 साल के बाद। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जितना जल्दी हम अपनाएंगे वो बेहतरीन होगा, नंबर एक। नंबर दो, हमारे देश के अंदर 5,000 प्राइमरी कास्ट हैं, 25,000 से ज्यादा है सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, रिलीजियन 9 है, 9 में से 4 ओरिजिनल विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। लैंग्वेज अगर आप 1800-1900 हम सोच रहे हैं, यहाँ पे यूएस में स्टैटिस्टिक्स है लोगों के पास, बोल रहे हैं कि 11,000 से ज्यादा भाषा है हिंदुस्तान के अंदर। डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, लेकिन इसी का ये एक नाजुकपन का फायदा उठाते हुए हमारा दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि देश को बाल्कनाइज कर दे। आप अगर इसी मुद्दों को उठा के ऐसा आप फ्रेम करेंगे मैनिफेस्टो, तो देश तो आप उन्हीं के पल्ले पे गेम खेलना शुरू कर दिए हो। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि देश के इंटरेस्ट में कौन सा चीज हमारे हित के लिए है। चंद एक इश्यूज हैं जिसमें हमें आपस में सलाह मशवरा इन कैमरा या क्लोज रूम या फुल ऑफ नेशन या ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से ओपन मीडिया में जिस तरह डिस्कशन हो रहा है ये देश के हित के लिए नहीं है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आर्म्ड फोर्सेस में रिजर्वेशन की बात की गई है, कर्नाटक का एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है कि देखिए जी कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की और उन्होंने मुसलमानों को कैसे रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी का हक काटकर, और अगर कांग्रेस घोषणा पत्र में यह बात कर रही है कि समान अवसर बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों को मुहैया कराया जाएगा सरकारी नौकरी में, तो उसे आर्म्ड फोर्सेज से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यह पूरी स्थिति आपको क्या नजर आती है? मामला खालिस विशुद्ध राजनीतिक है या फिर इससे आगे भी कुछ दिखता है? देखिए ये बिल्कुल प्योरली राजनीतिक है, और भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो छोड़िए, हमारे यहाँ एकेडमिक रिजर्वेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वहां कोई परसेंटेज ले डाउन नहीं की गई है, क्योंकि हमें हम एक लीडरशिप प्रेडोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक लीडर्स चाहिए जो अपने जवानों को एक अपने मिशन सक्सेसफुल की तरफ ले जाएं। हमारे यहाँ कोई रनर द प्राइज नहीं है, हमारे यहाँ केवल एक ही है, नेशन फर्स्ट। तो कोई भी पार्टी हो अगर वो रिजर्वेशन की बात कर रही है, तो जैसा जनरल सुधाकर ने कहा था कि हम भारत को बाल्कनाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं और हम अपने जो दुश्मन है उनको सशक्त कर रहे हैं, तो मेरा यही तो भारत पर आंख गड़ाए बैठे देशों को सशक्त करने का मौका नहीं देना होगा। अखिल जी यही बात यहाँ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपने तो इतनी चालाकी के साथ में ये पूरी डिबेट कंडक्ट कराई है, बात तो आपने अकेले व्यक्ति को बात करने का मौका नहीं दे रहे। आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे कि रिजर्वेशन जैसी कोई बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी है। हम चाहते हैं हम मोटिवेट करें अपने सिटीजन्स को और वो फौज में आए। आपको पता है कि इंडियन आर्मी में तो ऑफिसर्स की तो कमी चल रही है, स्कूल्स में कॉलेजेस में हमने इश्तिहार दे रहे हैं कि आइए और भारतीय सेना ज्वाइन करिए, लेकिन आपने इस पूरे के पूरे मैटर को एक कम्युनल मैटर बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं और आपके पास में बातचीत करने के लिए कोई मौका नहीं मिला आपको। अखिल चौधरी जी आपने शायद सुना नहीं, आप क्योंकि अग्निवीर के ऊपर क्यों नहीं बात करते? अखिल चौधरी जी आपकी मुझे लगता है आपकी ये जो आदत है ना, आप लगातार बोलते रहते हैं इसलिए आप सुन ही नहीं पा रहे हैं कि हमने कहा क्या। हमने घोषणा पत्र की एग्जैक्ट लाइंस पढ़कर बताई बीजेपी के प्रवक्ता को कि आपने समान अवसर की बात की है, बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों को अवसर दिलाने
की बात की है, ये बातें हुई हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। अखिल जी, इसी आधार पर समीर ने वो पॉइंट 6 पढ़कर उसी आधार पर सवाल किया था, और वो यही कह रहे हैं कि या तो आप सुन नहीं रहे कि हमने क्या कहा है, हालांकि ये वक्त उस चीज को वैलिडेट करने का नहीं है, इसलिए सीधा सवाल यही किया गया था राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर भी। इंडियन आर्मी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वी वांट टू मोटिवेट आवर पीपल सो दैट दे कैन जॉइन। यही हमने कहा हिंदी में, यही हमने कहा अखिल चौधरी जी। धनंजय जी देखिए, सवाल यही है, उन्होंने तो रिजर्वेशन का नाम लिया नहीं, अल्पसंख्यकों को समान अवसर की बात की गई बिना भेदभाव के, आपने उसे मुस्लिम रिजर्वेशन से जोड़ दिया। आपने जो धनंजय जी डिबेट का टॉपिक ही यही है। अरे अखिल जी, धनंजय जी से सवाल है, समझिए भाई जरा, आप अग्निवीर के बारे में बात नहीं करिए। अखिल जी, धनंजय जी से सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों जोड़ दिया उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन से, आप तो समझ ही नहीं पा रहे। उनके तो चार बार आपने आंसर सुन लीजिए। धनंजय जी बोलिए, उन्होंने कम्युनल बातें करी हैं। दिस अगेंस्ट वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशंस, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट। धनंजय जी जल्दी से, 30 सेकंड बचे। समीर जी देखिए, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का धर्म के आधार पर बांटने का धंधा पुराना है। छचर कमेटी की आड़ में कांग्रेस इस देश को फिर वही शिकार में झोंकना चाहती है। कांग्रेस के कुत्सित कार्य कांग्रेस की कलाई खुलती जा रही है। कर्नाटका में भी कोई कांग्रेस ने समान अवसर की बात की थी, जहां पिछड़ों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को दिया है, और वक्फ बोर्ड की जमीनें दिल्ली में कांग्रेस की 2014 में सरकार जाने के पहले सारे उठा करके वक्फ बोर्ड को दे दी, लुटियन की जमीन दे दी। कांग्रेस इस देश के रक्षण में आरक्षण दे करके इस देश की सीमाओं का भक्षण करना चाहती है। कांग्रेस आर्म फोर्सेज में रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं की उन्होंने, आप कहां से ले आए? टचर कमेटी की आड़ में इस चीज को लागू करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप कहते हैं कि गंडा करनी चाहिए, जब हमारे सेना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की यह मंशा गलत है और उनके लिखे हुए भी साफ साफ है, तो आप उसमें गिनना चाहते हैं, जाति धर्म जानना चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप चीन से चंदा लेने वाले। ये भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ अब आने वाले वक्त के लिए नजर आ रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में तलवारें खिंची हुई हैं इस मुद्दे को लेकर भी, और इसे मुस्लिम आरक्षण से जोड़ा गया है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।